उनका समूह होता है उसे तो क्या कहते हैं, उसका नाम है प्रक्रिया। आई बात समझ में? तो हम प्रबंध के कार्य के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो प्रबंध के कार्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। आई बात समझ में? एक तो होता है प्रबंध के प्रमुख कार्य, सेकंड होता है प्रबंध के सहायक कार्य। तो प्रमुख कार्य की अगर बात करते हैं वो तो क्या है कि हमें जो प्रबंध करना है तो हमें इन कार्यों को तो करना ही पड़ेगा। और हमारे जो सहायक कार्य हैं वो सहायक कार्य कौन से होते हैं, जो हमारे प्रमुख कार्य को करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध के सहायक कार्य। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रबंध के प्रमुख कार्य की। सबसे पहले हम जब कोई भी काम करते स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है इस काम को हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका उद्देश्य क्या है, आगे का समझे। तो इसका जो नाम है वो है नियोजन। सबसे पहले प्रबंध का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, नियोजन से स्टार्ट होता है। आगे बात करेंगे जो अपन ने नियोजन किया, नियोजन के बाद अपन क्या करते हैं कि उस काम को अपन ने सोच लिया कि कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद अपन क्या करते हैं एक समूह निर्धारित करते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि उस काम को हमने किस तरीके से किसके द्वारा करना है, हमें कितने लोग मिलकर करें, कौन सा हमारा समूह होगा जिसका नाम स्टार्ट किया था, नियोजन के बाद अपन ने संगठन, संगठन के बाद में निर्देशन,
नियुक्ति करना भी प्रबंध का सहायक कार्य माना गया है। जैसे कि मान लो कि आपने संगठन के अंदर पद की, चयन की, भर्ती की, इनकी आवश्यकता में बढ़ती रहती है। आगे बस हमें टाइम टाइम पर हम इनको क्या करते हैं, इनका हमें सहायता लेनी पड़ती है। कोई मान लो कई जो कर्मचारी रिटायर हो गए, कई कर्मचारी छोड़ के चले गए, कई कर्मचारी जिनकी मान लो मृत्यु हो गई, तो इस कंडीशन के अंदर, इस दशा में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्मचारियों की दोबारा भर्ती करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा। अब देखो नियुक्त हमारे सामने प्रश्न आता है कि हमें कौन सी जगह पर किस काम के लिए किस व्यक्ति का चुनाव करना है। ये हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिस काम में क्या है वो बहुत ही एक्सपर्ट है। अगर उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, उस काम में उसकी रुचि है, तभी वो क्या कर सकता है, उस काम को मन लगाकर अच्छे तरीके से कर सकता है। जिससे क्या होगा, जिससे उसकी कार्य क्षमता का विकास होगा। अगर वो अपने काम को मन लगा कर रहा है तो क्या होगा, अपनी कार्य क्षमता को विकसित कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अपने काम में वो बोरियत महसूस करने लगेगा और काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। पर कार्य क्षमता जो है वो क्या होगा, उसका स्तर बढ़ेगा नहीं, उसका लेवल होगा वो घटेगा। आगे बात समझिए, तो हमें नियुक्त उसी को करना है, उस काम के लिए वो लायक है, उस काम को वो कर सकता है, उस काम को करने में उसकी रुचि है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। तभी अपन अपने प्रबंध के कार्य को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से कम समय में अपन क्या कर सकते हैं, अपने प्रबंध के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। प्रबंध का एक सहायक कार्य ये भी हो गया। इसका तीसरा जो कार्य है वो है नव प्रवर्तन। इसको इसका एक नाम हो रहा है नव प्रवर्तन या नवाचार। आगे बस हमें नव प्रवर्तन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, देखो आज के बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी युग में हमें समय समय पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि ग्राहक की जो रुचि है, ग्राहक की जो आवश्यकता है, ग्राहक की जो डिमांड है, ग्राहक चाहता क्या है। आगे बस हमें उसका समय समय पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगर हम समय समय ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी हमारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है, हमारा जो किया गया काम है, वो क्या हो जाएगा, चलन से बाहर हो जाएगा। तो चलन से बाहर होने के बाद का मतलब क्या है कि हमारा जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाए। आगे बात समझते हैं, इसलिए प्रबंध के कार्य में सहायक कार्य नवप्रवर्तन को प्रमुख माना गया है। और पीटर एफ ड्रकर ने, पीटर एफ ड्रकर एक प्रबंध शास्त्री माना गया है, इसको मैनेजमेंट गुरु भी कहते हैं, मैनेजमेंट का इसको गुरु माना गया है, प्रबंध का गुरु मानते हैं इसको। तो पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध का प्रमुख कार्य किसे माना है, नव प्रवर्तन को। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछते हैं आप लोगों से कि पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध के प्रमुख कार्य किसे कहते हैं, किसे माना गया है। तो अपन क्या करते हैं, जो प्रबंध के प्रमुख कार्य है उनके नाम लिख देते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या आता है, प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन से हैं, नियोजन, संगठन, निवेशन, नियंत्रण और समन्वय। आगे बात समझने पर वो है प्रबंध के प्रमुख कार्य। पर पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध का प्रमुख कार्य किसे माना है, प्रबंध का प्रमुख कार्य माना है उसने नव प्रवर्तन या फिर नवाचार। नव प्रवर्तन नवाचार क्या होता है, पुरानी चीजों में अपन ने कुछ नया चेंज कर दिया। नया चेंज करने का मतलब क्या, ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उसमें फैसिलिटी अपन ने और दे दी और प्रदान कर दी। आई बात समझने से मान लो कि आप नव प्रवर्तन या नवाचार को आप अपने छोटे से एग्जांपल से हमें समझेंगे। जैसे मान लो कि पहले अपन देखते थे कि पुरानी इंडस्ट्री जो गाड़ियां हैं वो चलती थी, ठीक है, जो विदाउट एसी होती थी, में एसी वगैरह नहीं होती थी। अब की जो गाड़ी है, जो कार आप खरीदते हैं, वो लेके आते हैं, उसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसमें अपन बैठ के साउंड भी सुन सकते हैं, उसमें बैठ के अपन एसी भी चला सकते हैं। पर ऐसे पहले क्या ऐसा कुछ था, पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट हुई, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, उसमें फैसिलिटी दे दी। तो वो उसको अपन कह सकते हैं नवाचार। जैसे मान लो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के जो अपन यूज करते हैं, सबसे पहले हम बात करते थे कि अपने फ्रंट टाइम में फैन पंखों की बात करते हैं, ठीक है ना, पंखे चलते थे। फिर धीरे धीरे उसको और नवाचार किया गया कि कूलर आया अपने सामने, फिर कूलर के बाद में एसी आया। ये क्या है, ये नवाचार, ये नव प्रोडक्ट के उदाहरण है। जैसे कस्टमर की, ग्राहक की डिमांड्स बढ़ती गई, उसके अकॉर्डिंग क्या करते गए, उनमें और